वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। आओ आओ यारो, वैसे यार कुछ भी कहो, समोसे की बात ही अलग है, और ऊपर से यार ये बर्गर से ज्यादा हेल्दी भी होता है। तो चलो ग्लोबलाइजेशन का आखिरी प्रवचन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या किया। तो यारों, इंडिया की शातिर गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड के लिए एक और पॉलिसी बनाई थी, और इस पॉलिसी में इंडिया ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZ इस्टेब्लिश किए थे ताकि खूब सारी MNCs इंडिया आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कुछ खास फीचर्स हैं, तो पहला तो यही है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज डेवलप करी गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज, जिससे MNCs को प्रोडक्शन में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा ये है कि जो भी कंपनीज इन जोन्स में अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, भारत सरकार उनसे शुरुआत के 5 सालों तक कोई भी टैक्स नहीं वसूलती है। और तीसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया था वो ये है कि उन्होंने लेबर लॉस को फ्लेक्सिबल कर दिया था, जिससे कि MNCs को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसा कि यार तुम सब जानते हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनीज को वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, मगर पिछले कुछ सालों में SEZ में गवर्नमेंट ने इन लॉस को काफ़ी इग्नोर करने को अलाउ कर रखा है। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो मेरा तो यही कहना है कि सब वीडियोस को जरा गौर से देखो ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तक तुम लोग सब कुछ खा जाओ। तो चलो जरा एक क्वेश्चन पे और फोकस कर लो। तो फाइनली लास्ट प्रवचन में हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन को और कैसे फेयर बना सकते हैं। तो अभी तक काफी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तुम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन से हर एक इंसान को फायदा नहीं हुआ है, इससे सिर्फ स्किल्ड और अमीर आदमी को फायदा हुआ है, बल्कि बेचारे गरीब लोग जो कि मजदूर लोग हैं उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो यार ये तो फेयर चीज़ नहीं है। तो यार इसके लिए गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए कि वह एक शानदार बढ़िया सा लेबर लॉ लाए और लेबरों की हेल्प करे जिससे कि उनका शोषण ना हो। सेकेंड, गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर्स की मदद करनी चाहिए और उनके लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, या वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे या फिर थोड़े से ट्रेड बैरियर्स लगाए जिससे कि ये लोग भी आसानी से ग्रो कर सकें। थर्ड, गवर्नमेंट को बाकी के डेवलपिंग कंट्री के साथ मिलके WTO से फेयर रूल के लिए नेगोशिएट करना चाहिए, जिससे जो डेवलप्ड कंट्रीज अपनी मनमानी करते हैं ना, वो ना हो पाए, और इंडिया को WTO के गेट पे बैठ के प्रोटेस्ट करना चाहिए। और यार इससे पहले कि तुम लोग प्रोटेस्ट करने लगो, हम इस चैप्टर की यहीं पे क्रियाक्रम कर देते हैं। तो ये प्रवचन भी हुआ समाप्त। बाय बाय।